दासी आज प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक प्रभु के दास दासी पर, विश्वासियों पर, कलीसिया पर, यहाँ पर आए हर एक प्रधान पर, टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर पर, और यहाँ पर आए हमारे बीच में अतिथिगण सन्नी देओल के भाई पर और उनकी फैमिली पर, पवित्र आत्मा जी में हर एक अतिथि पर, पवित्र आत्मा जी चाहता हूँ कि तेरा दया वाला हाथ उतराए, बरकत वाला हाथ उतराए, चंगाई वाला हाथ उतराए, सामर्थ वाला हाथ उतराए, यीशु मसीह का सामर्थ्य है जी। इस समय परमेश्वर जितने लोगों ने सच में ऊंची आवाज में गाया वो है, और मैं पवित्र आत्मा विश्वास करता हूँ मेरे आसमान के खुदा कि तू आज मेरे आंसुओं को देख रहा है, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, तू मेरे रोने गिड़गिड़ाने को देख रहा है। पवित्र आत्मा तू आज उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनेगा जो लोग अपने घर से तैयार होकर आए हैं, जो लोग अपने घरों से प्रार्थनाएं करके आए हैं, जो उपवास करके आए हैं, जो आज सच में तुझसे मांग रहा है बड़े विश्वास से, मेरे पिता उसे खाली यात्रा लुटाना। आज पवित्र आत्मा आज इनकी बरकतें आज स्वर्ग से देकर जाना। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ कि आज लोग फुटपाथ पर है, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में है, विपत्ति में फंसे है, दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबे है, सफर में है। पवित्र आत्मा आज दुआ भी उतरेगा स्वर्ग से उनको दिखाने के लिए कि वो यीशु जिंदा है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा तूने सच में अपने दास को चुना और नाम लेकर बुलाया। मेरे पिता इस दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू आज अपने लोगों को छुएगा, आज अपने दास दासियों की प्रार्थनाओं को छुएगा जो आज इस मंडप में बैठकर परमेश्वर जिन लोगों ने दुआ किया इस मीटिंग के लिए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर अपने आशीर्वाद को उतारना। तूने कहा कि तुम यरूशलेम की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। मैं आज अपने लोगों की ओर मुंह करके इन्हें शांति का आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। घर में आज से शांति उतरे, आज से बरकत उतरे, हर आशीष उतरे। मैं यीशु मसीह तुझे दंडवत करता हूँ और तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आज मेरे पिता तू अपने लोगों को आशीषित करने के लिए डेरा बाबा नानक की नगरी में आप ही स्वर्ग से उतर आएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम। सारे बोले हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जितने लोग बड़ी देर से यहाँ पर खड़े इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। एक दूसरे को बोलो कि आज हम बहुत सुंदर लग रहे हो। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बोलो कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। जितने दूर तक पीछे तक खड़े हैं, सीट नहीं है, मैं आया अभी पीछे से, आज पैर रखने की जगह नहीं है। बोलो हालेलुया। अरे आप जानते तो थे लेकिन पहचानते नहीं थे। लेकिन अगर आज तक कोई यीशु मसीह को सिर्फ जानता है कागजों में, जानता है सिर्फ बाइबल में यीशु मसीह है, लेकिन पहचान नहीं है उसकी, मैं आप फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप जानते हैं यीशु मसीह को, आज मैं पहचान करा कर जाऊंगा यीशु नासरी की आपको। बोला हालेलुया। जानते हैं मुझे, आज पहचान लेना मैं यीशु मसीह का दास हूँ। हालेलुया। आज जो बोलूंगा वो होगा, जो कहें कहूंगा वो होगा। होगा कि नहीं? हालेलुया। जितनों को विश्वास है कि वो घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप समस्या में, अपने पड़ोसी को कहो कि वो है। परमेश्वर का कलाम बोलता है, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा बोलता है, करा कि मैं अपने वचन को, यिर्मयाह के 1:12 में लिखा बोलता है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। करा मैं जाग रहा हूँ, क्या तू जाग रहा है? बोलता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो परमेश्वर के आशीर्वाद को लेने के लिए? क्या तैयार हो अपने पापों को मानने के लिए? क्या तैयार हो आज अपने पाप को छोड़ने के लिए? क्या तैयार हो आज अपनी गलतियों को छोड़ने के लिए? याद रखना, आसमान के खुदा ने मुझसे कहा, जैसे ही तू घर से निकला, मुझसे कहा कि जैसे ही तू अपने घर से निकलेगा, क्या मेरे लोगों को जाकर कह देना कि जितने बाबा नानक की मीटिंग में तेरे में बोलते आज घर से तैयार हो कर आएंगे,
मेरी मीटिंग में अपने घर से निकल कर जितने लोग आएंगे बोलते उन्हें जाकर कह देना आज आसमान का खुदा स्वर्ग से तैयार होकर तुम्हें चंगा करने के लिए आएगा, आज बरकत देने के लिए आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो तैयार होकर आया है, क्या आप तैयार होके आए कि नहीं? अपने पड़ोसी को पूछो तैयार है तू आशीष लेने के लिए तैयार है? मेरी बात को सुनो। अरे जब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है तैयार होके जाता है कि नहीं? अगर दुल्हन तैयार ना मिले दूल्हा जाएगा? अगर दूल्हा तैयार ना रहे तो दुल्हन नहीं जाएगी उसके साथ। हाँ ताई तेरे से पूछ रहा हूँ, बेबे तेरे तो पूछ रहे हैं, बुढ़ी जी जड़ी मेरे सामने खड़ोती है, मैं तेरे तो पूछ रहे हैं जे तेरा घर वाला तैयार होके ना आंदा तू ओदे नाल जांदी ब्याह वास्ते? नहीं जांदी? वो कहती मैं नहीं जांदी। तैयार होके आया कि नहीं? अगर वो गंदे गोबर सा लगाकर कपड़े पर पहन कर कुर्ते पजामे पर आ जाता कहता चल मेरे नाल तुसी जांदे ओदे नाल घोड़ी ते बह के? नहीं जांदे। आज यहां पर मेरी बात समझना, कह रहा बाइबल बोलती है पुराने वस्त्र उतार दो, कह रहा मैले वस्त्र उतार दो। ये नहीं कह रहा हूँ पुराने कपड़े बाहर सड़क पर फेंक दो और कबाड़ी को बेच दो, मैं ये कह रहा हूँ कह रहा बाइबल बोलती है अपने पुराने मन के वस्त्र को उतार दो आज। अगर आज अपनी हड्डियों को नया कराना चाहते हो, अगर आज अपनी नसों को नया कराना चाहते हो, अगर आज अपने बिजनेस को नया कराना चाहते हो, अगर आज अपने बच्चों को आशीष दिलवाना चाहते हो, कह रहा तैयार हो कर आना। तैयार आज तैयार हो जाना, आज मिराकल होके रहेगा रात को यीशु मसीह के नाम में। आज की रात मिराकल की रात है। किसकी रात है? मिराकल की रात है। कह रहा कि मिराकल होगा। अरे मिराकल कब होगा? कह रहा जब आप तैयार होंगे। याद रखना जब आप तैयार होंगे मिराकल होगा। मेरी बात को सुनना, तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? अगर हाँ बोल रहे हैं तो तैयार है आप यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात को सुनो, तैयार है कि नहीं? अरे गलील के काना में जब दाखरस घट गया उसी समय क्या हुआ? अरे जो लोग शादी के लिए पहले तैयारी नहीं करते, लड़की का ब्याह करना है पहले तैयारी नहीं करते, अरे चर्च बनाना है पहले तैयारी नहीं करते, अरे घर बनाना तैयारी नहीं करते, उनके घर नहीं बनते। अरे जब घर बनाना तैयारी करनी पड़ती है, चर्च बनाते तैयारी करनी पड़ती है, शादी करते तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन याद रखना जब किसी बड़ी मीटिंग में जाओ तो तैयार होकर जाना पड़ता है। बोलो हालेलुया। अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर आना पड़ता है, अपने गंदे मन को छोड़कर आना पड़ता है। कह रहे तैयार हो कराओगे, मेरे खुदा ने आज मुझसे प्रॉमिस किया है। बोलता है जो ना देखा ना सुना वो होगा आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहा मेरा खुदा तैयार हो कराया है अपने लोगों के लिए, डेरा बाबा ना की नगरी को आशीष देने के लिए तैयार हो कराया है। जहां से भी आप आए हैं गुरदासपुर वालों, कलानौर वालों, अमृतसर वालों, अगर आप जहां से भी अगर आप तैयार होकर आए हैं तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा इस नगरी को आशीष देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। तैयार होना पड़ता है। यहां पर क्या था? दाऊद अपने बच्चों के लिए तैयार रहा जब उसने भवन बनाना था। मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहुत सारे पास्टर, मैं कह रहा हूँ इस बात को सुनने के बाद आज मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, जिसका चर्च नहीं है वो चर्च बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिसका घर नहीं है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ उसका घर बन जाएगा इस 3 महीने के बाद। ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये प्रोफेसी 3 महीने के बाद पूरी होने वाली है। आपके पास पैसा नहीं होगा, याद रखना परमेश्वर स्कीम डालेगा गवर्नमेंट के अंदर। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा वो काम करेगा जो आप नहीं सपने में सोचते कि नहीं। अरे जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो लोग लीडर बनते हैं, तो उनके मनों को भी फेरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी बात को सुनना, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि दाऊद के साथ क्या हुआ कि दाऊद तैयारी कर रहा था भवन बनाने की, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि भवन तू नहीं बनाएगा। लेकिन उसने क्या किया, मरने से पहले तैयार था वो, अपने बच्चों को क्या दिया उसने सुलेमान को, 120 टन करा के सोना लेकर आया, 120 करा के उसके बाद करा के लोहा लेकर आया, तांबा लेकर आया, चांदी लेकर आया और अपने सुलेमान को दिया। अरे तैयारी किसने किया? बाप ने। अरे काटा किसने? बच्चे ने। आज तैयार होकर आप आना, आपके बच्चे काटेंगे कल की सुबह। हालेलुया। करा के तैयार होकर आना। करा तैयार कोई और होता है, काटता कोई और है।
अरे बीज बोता किसान है काटता कोई और है। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जमींदार काटता है कि नहीं, बोलो हालेलुया। आज याद रखना पवित्र आत्मा बोल रहा है अगर आप तैयार होकर आए तो याद रखना परमेश्वर मिराकल करने वाला है। उसने कहा अपने लोगों को और वो बोल रहा था बार बार, वो यही कह रहा था, वो कह रहा था, कह रहा है अरे मरियम कहता है कि मेरी माँ तो तू है लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। अरे क्यों नहीं जानता परमेश्वर उन लोगों को, जो लोग परमेश्वर की डिसिप्लिन से बाहर चलते हैं परमेश्वर उन्हें नहीं जानता, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं होते। मैं कह रहा हूँ कि लोग नाराज होकर चले जाते हैं। याद से सुनकर जाना, जब बाप डांटे उसमें एक अभिषेक है, जब पास्टर डांटे उसमें एक अभिषेक है, करा के याद रखना एक प्रोफेट डांटे उसमें एक अभिषेक है, करा टीचर डांटे का अभिषेक है। कहता है कि आज करा उस अभिषेक को लेकर जाना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अभिषेक है और ये यहोवा छोरावर का अभिषेक है, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो ये कह रहा है कि अभिषेक अंदर आएगा, आज दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, अभिषेक आएगा, कर्जा बाहर जाएगा, अभिषेक अंदर आएगा, बीमारियां बाहर जाएंगी। आर यू रेडी? बोलो आई एम रेडी। जोर से कहो बोलो आई एम रेडी। आज परमेश्वर को बताओ कि मैं रेडी हूं। ये नहीं कर रहा हूं फ्रूट की रेडी लगाओ जाकर, कईयों को इंग्लिश नहीं आती और वो बोलते हैं कह रहे कि कौन सी रेडी लगानी है, पादरी ने क्या बोला था। मैं क्या बोल रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ और कहो आई एम रेडी। बोलो परमेश्वर को आई एम रेडी। अरे तैयार था, अरे चेलों को कहा मरियम ने कि मैं तो डांट खा जाई लेकिन अरे तुम्हें डांटना पड़ जाए, अरे जैसा यीशु कहे वैसा करना। देखना चाहते हो कि नहीं, अरे दाखरस कब बना, करे के उस खड़े में छे के छे कड़े खाली थे लेकिन वो कड़ा कब भरा, करा मिराकल कब हुआ, करे के जब लोगों ने जब चेलों ने उसकी बात को मान लिया है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि अगर ये डेरा बाबा नानक की नगरी ये बात मान लेगी कि जैसा यीशु कहेगा मैं वैसा करूंगा, मैं कह रहा हूं आज वैसा नहीं होगा, जैसा यीशु कहेगा आज वैसा होगा जैसा तुम कहोगे। हालेलुया। आज तक आप प्रार्थना करते आए, आज तक आप यीशु मसीह की मानते आए, लेकिन आज यीशु मसीह आपकी मानने वाला है। आप प्रार्थना करो आज उत्तर मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। तैयार है कि नहीं? उसने कहा खड़े को मुआ मुंह भर दो, मुआ मुंह, छे के छे खड़े उसके चेले जाकर भर कर लेकर आए, मुआ मुंह भर दिया उस घड़े को। हालेलुया। आप मेरी बात सुनना, अगर आज आप अपना खाली घड़ा लेकर आए हो तो मुआ मुंह भर लो, घड़ा खाली है चमत्कार नहीं होने वाला। याद रखना घड़ा खाली है चमत्कार नहीं होने वाला। कुछ लोग क्या करते हैं बहाने मारते हैं, अरे घड़ा भर लो, परमेश्वर कह रहा तैयार हो कराओ। बोलते हैं हाँ हाँ हम चर्च में आए हैं लेकिन जेब में पैसे नहीं है, हाँ हाँ मीटिंग अटेंड करने आए हैं। बाइबल बोलती है छूछे हाथ मत आना उसके घर, अगर दान देने के लिए आपके पास नहीं है, दान भिखारियों को भी दिया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कंजूस, वो दान नहीं डालते। याद रखना दान नहीं डालता जो जो दान के खिलाफ बोलता है। याद रखना कि गरीबी का शराब और गरीबी की आत्माएं उसके पास रहती हैं, और ये बात बाइबल बोलती है, वो आत्माएं जब तक पीछा करती हैं, जब तक उसके खानदान में कोई बीज बोने वाला ना हो, जब तक उसके खानदान में कोई भेंट चढ़ाने वाला ना हो। लोग तैयार होना चाहते हैं, दान देने के लिए भी तैयार होना पड़ता है, वर्शिप करने के लिए भी तैयार होना पड़ता है, और वचन पढ़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसलिए कहा यिर्मयाह को, अरे यशायाह को, भविष्यवक्ता को कहा अरे प्रचार करने से पहले, भविष्यवाणी करने से पहले इसे खा, इस पुस्तक को खा, फिर पचा, फिर भैंस की तरह जुगाली कर बैठ कर, और अब जा करा चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना करा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा लड़का इंजीनियर बने, आप चाहते हैं कि मेरे घर में मेरा इकलो, मैं आज आजाद हो जाऊं, आज बीमारियां चली जाए, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, बोलता है करा अपने खड़े को मुआ मुंह भर ले। अगर तेरे घर में एक है, अगर तेरे घर में छह मेंबर हैं तो वो छह के छह खड़े मुआ मुंह भर लो। प्रार्थना से मुआ मुंह भर लो, बाइबल से मुआ मुंह भर लो, करा के वचन से मुआ मुंह भर लो। करा जब मुआ मुंह भरेगा, करा के आज मिराकल हो के रहेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाओ और कहो वो है, वो है, तैयार हूं। अरे यीशु मसीह ने जब देखा कि चेले तैयार हैं, और उस समय क्या हो गया, चेले तैयार हो गए,
और तैयार होने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उस घड़े को मुआ मुंह भर दिया। हालेलुया, मिराकल कर दिया है, उस पानी में दाखरस भर दिया है, मिराकल हो गया है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज वचन से मुआ मुंह भर कर जाओगे, अगर आज प्रेयर करके जाओगे, इस मीटिंग के बाद आपके घर में मिराकल होने वाला है। मिराकल, अपने हाथों को उठाओ और कहो मैं तैयार हूं, और सब बैठ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हालेलुया। जितने लोग खुश नहीं है अपने हाथों को उठाओ। कल की मीटिंग में आपको पता लग गया, बोलो हालेलुया। लिसनिंग, आपकी लिसनिंग जितना मजबूत होगी उतना मिराकल होगा आज। हालेलुया। कल कितने लोगों ने आशीष पाया? मैं कह रहा हूं कल आपने ट्रेलर देखा, आज मिराकल देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा यहां है, कह रहा हूं लोगों के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, जो घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं किसी बीमारी को देखकर, मैं बता रहा हूं कि सच में उस दिन डर गया था मैं जब मेरी माँ छत से गिरी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि कोई बचाने वाला नहीं है, और जब मुझे किसी ने बताया, मैं एक जाट परिवार से हूं, और जब मुझे किसी ने बताया चर्च में जा, चमत्कार होते हैं, तेरी माँ बच जाएगी, अरे लोगों ने मुझे कहा, अरे क्या धर्म बदल लिया क्या, अरे पैसे ले लिए क्या, अरे मैं बड़ा हैरान हो गया डर के मारे। मैं एक दिन नहीं गया, लेकिन अगले संडे मैं दिलेरी के साथ गया। डॉक्टर ने कहा था तेरी माँ को होश नहीं आएगा, अगर 42 घंटे में, करा 72 घंटे में, करा होश आ गया तो ठीक, कहता नहीं तो ये कोमा में चली जाएगी। लेकिन मैं अपने बड़े नाम और बड़े पद और बड़ी जात को छोड़कर मैं यीशु के चरणों में चला गया, और मेरी माँ को 40 घंटे में होश आ गया। मेरी माँ असुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा उन लोगों को, मैंने कहा रे लोगों ने मुझे बहुत कहा, अरे क्या कर लिया तूने, अरे चाट होकर नाम बदल लिया, क्या कर लिया, धर्म बदल लिया, अरे क्या बात है, करे किसको अपना भगवान मान लिया, करे ये भगवान अच्छा नहीं है। अरे मैंने कहा होने दे, क्या मैंने कहा रे क्या होता है दूसरे देश का भगवान है, मैंने कहा होने दे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे मैंने कहा जिसने मेरी माँ को ठीक कर दिया वही मेरा खुदा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आज वो है। आज अगर कोई बीमारी में है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तैयार हो कराना। यिर्मयाह को कहा, करे कि आज, करे तैयार हो कराना, तैयार होकर, करे कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं। ये बाइबल आपने सुनी है, नहीं देखा इसके अंदर,